क्या आपने कभी रसगुल्ले की चाट खाई है? नहीं खाई? चलिए आज हम खिलाते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक चाट की रेसिपी, रसगुल्ले की चाट। यकीन मानिए बहुत ही डिलिशियस होती है। इसके लिए पहले आपको सिखाने जा रही हूँ कैसे आप रेडीमेड पनीर के साथ ही बना सकते हैं रसगुल्ले, वो भी उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और फिर उन रसगुल्लों के साथ बनाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग सी रसगुल्ला चाट, इतनी बढ़िया कि जब आप अपने गेस्ट को या फैमिली मेंबर्स को खिलाएंगे ना, वो कहेंगे अरे वाह, ऐसे यूनिक चीज तो हमने कभी नहीं खाई। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप रेडीमेड पनीर से बना सकते हैं घर में बहुत ही स्पॉन्जी से रसगुल्ले, राइट फ्रॉम स्क्रैच, यानी दूध फाड़ के छेना बना के रसगुल्ले कैसे बनाने हैं वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है। एंड अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स आई हैव शेयर्ड विद यू टू गेट योर रसगुल्ला राइट। आज भी कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए पहले तो आज के सारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। रसगुल्ले की चाट बनाने के लिए हमें पहले चाहिए होगा 400 ग्राम पनीर, इसी के साथ साथ 2 कप चीनी फॉर द शीरा, इसी के साथ मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून रवा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी। चाट को फिनिश करने के लिए बनाएंगे एक हरी चटनी, जिसके लिए चाहिए होगा धनिया, इसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस और ये भुने हुए चने। चाट को फिनिश करने के लिए मुझे चाहिए होगी मेरी हरी चटनी, साथ ही साथ ये खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी, महीन सेव, कुछ अनार के दाने और हरा धनिया भी, और इसी के साथ चाट मसाला, और चाहिए होगा दही। मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी। अब इस गुनगुने गर्म पानी में मैं सोक करके रखूंगी अपने पनीर के पीसेस को कम से कम 10 मिनट के लिए। ऐसा हमने किस लिए किया, नोट कर लीजिए, यह है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे। देखिए रेडीमेड पनीर में होता है ढेर सारा फैट, काफी चिकना होता है, और रसगुल्ले के लिए हमें चाहिए होता है कम चिकनाहट वाला पनीर या छेना। इसीलिए अगर आप इसे थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो करके रख देंगे ना, तो इसकी चिकनाहट काफी कम हो जाएगी। इसके बाद इसे हम निचोड़ लेंगे और सारा एक्सेस मॉइस्चर भी निकाल देंगे। तो जब तक हमारा पनीर सोख होता है गुनगुने पानी में, यहाँ पर मैं अपनी चाशनी पकाने के लिए चढ़ा लेती हूँ फॉर द रसगुल्ले। अब इसके लिए मैं लूंगी 2 कप चीनी, और 2 कप चीनी के साथ डालूंगी उसमें 6 कप पानी। अब 2 कप चीनी और 6 कप पानी क्यों? क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी काफी हल्की होती है, इसे उतना थिक हम नहीं बनाते हैं जैसे कि गुलाब जामुन की चाशनी होती है, यानी कि एक तार की चाशनी नहीं बनेगी, ये हल्की चाशनी बनेगी। अब इस चाशनी को ढककर हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये एक रोलिंग बॉयल पे नहीं आ जाती। अब आप ये देखिए पनीर ने कितना चिकनाहट छोड़ दिया है और ये काफी सॉफ्ट भी हो गया है। तो सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो इसे मलना यानी कि इसे नीड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब एक मसलिन क्लॉथ में इस पनीर को मैं छान लूंगी ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, और इसे स्क्वीज करके रख लूंगी। और ये देखिए कितना मॉइस्चर इसमें था जो निकल जाएगा। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 2। अगर आप बढ़िया से रसगुल्ले बनाना चाहते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपके छेने या पनीर में मॉइस्चर यानी कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए सारा पानी स्क्वीज आउट कर देना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए आप छेना हम पहले अपनी प्लेट पे निकाल लेते हैं, कितना इसका छेना जो है वो ड्राई हो चुका है, लुक एट दिस, ये देखिए इसकी चिकनाहट भी काफी कम हो गई है और ये काफी ड्राई भी हो गया है। अब इस पनीर को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इतना बढ़िया मैश करना है आपको कि बिल्कुल जैसे आप आटा गूंदते हैं ना, वैसा सॉफ्ट डो इसका रेडी हो जाए। अब अपनी हथेली से मैं इसे रब करूंगी ऐसे, और 7 से 8 मिनट के लिए कम से कम मैं इसको मैश कर लूंगी। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा, एक तो ये अच्छे से मैश भी हो जाएगा
और इसी के साथ साथ इसमें ढेर सारी एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और उसी एयर की वजह से तो ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अब ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो चुका है। आप जब इसे अपने हाथ से फेंट रहे होंगे ना, आपको पता चलेगा कितना हल्का हो गया है ये। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस 2 tablespoons ऑफ रवा और इसी के साथ साथ 2 बड़े चम्मच मैदा भी, 2 tablespoon कॉर्नफ्लावर और ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर भी। अब इसको एक बार फिर 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से नीट कर लूंगी। अब होगा क्या, ये जो रवा हमने इसमें ऐड किया है ना, ये सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसे अब्सॉर्ब कर लेगा और साथ ही साथ एक दानेदार टेक्सचर भी देगा हमारे रसगुल्लों को। एंड द कॉर्नफ्लावर विल हेल्प टू बाइंड द रसगुल्लास और जो बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है इसमें वो इसको थोड़ा सा और स्पॉन्जी बनाने में मदद करेगा। ये देखिए ये सब हो गया मिक्स अच्छे से। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके हम प्रिपेयर करके रख लेंगे। टिप नंबर 3, आप जो रसगुल्ला बॉल्स शेप कर रहे हैं इन पे कहीं पे भी कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर इस पे क्रैक रह जाएगा ना तो ये रसगुल्ले चाशनी में जाने के बाद फट जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। ये देखिए सारे के सारे रसगुल्ले हमने शेप करके रख लिए हैं। अब हमारी चाशनी जो यहाँ पर रोलिंग बॉयल पे आ चुकी है, इस चाशनी में ऐड करेंगे हम ये रसगुल्ले। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 4, कभी भी अपनी कढ़ाई को रसगुल्लों के साथ ओवरक्राउड मत करिएगा, यानी कि इकट्ठे मत डाल दीजिएगा। ठीक है, या तो इसके लिए बहुत बड़ा सा आप भगोना चढ़ाइएगा पानी उबालने के लिए, नहीं तो इसको बैचेस में करिएगा। रसगुल्लों को फैलने के लिए चाहिए होती है ढेर सारी जगह और अगर ये क्रैम्ड हो जाएंगे तो ये गोल फूलने की जगह फ्लैट हो जाएंगे। तो खोलती हुई चाशनी में ऐड करते हैं हम अपने रसगुल्ले। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे इसमें ही पकने देंगे जब तक कि ये फूल के डबल नहीं हो जाते। आपने नोटिस किया मैं अपने रसगुल्लों को 2 बैचेस में पका रही हूं ताकि इन्हें फूलने की सफिशिएंट स्पेस मिले इन द सिरप। तो जब तक हमारा फर्स्ट बैच ऑफ रसगुल्ले तैयार होता है तब तक यहाँ पर हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 बंच हरी धनिया का, इसी के साथ साथ हरी मिर्च, अदरक, नींबू, नमक और भुना हुआ चना। धनिया को आप कोर्सली चॉप कर लीजिए, बहुत फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। धनिया की पत्ती को मिक्सी की जार में ले लेंगे और इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी तीखी अपनी चटनी चाहिए। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी, 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना, 2 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच नमक। एज रिक्वायर्ड इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिएगा और इसकी एक फाइन चटनी पीस लीजिए। चटनी भी डन। अब चाट के लिए दही प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए 2 कप दही में मैं मिला रही हूँ 2 चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक और इसे अच्छे से फेंट के हम रख लेंगे। दही को आप चिल करके रखिएगा ताकि चाट में और बढ़िया मजा आए। ये देखिए हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूल चुके हैं। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली, उसके बाद चिल कर लेंगे। चिल करके अगर आप इसकी चाट बनाएंगे ना तो चाट का मजा ही कुछ और हो जाएगा। रसगुल्ले भी ठंडे हो चुके हैं और अब हम तैयार हैं अपनी रसगुल्ले की चाट बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले रसगुल्लों को लीजिए, हल्का सा स्क्वीज कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा जिसकी चाशनी है ना वो सारी निकल जाए। गेट इट आउट ऑन योर प्लेट। कवर दिस विद मीठा दही, टॉप कीजिए इसे अपनी फेवरेट चटनीज के साथ, थोड़ी बारीक सेव, कुछ दाने अनार के, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ी पुदीना की पत्तियों के साथ इसे टॉप कर लेते हैं। आप बताइए इतनी यूनिक चाट कभी आपने इससे पहले देखी या खाई है? नहीं खाई ना, सो ट्राई इट आउट, लेट मी नो कैसी बनी और आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा हमेशा इंतजार।